अजय देवगन इन दिनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां उनकी आने वाली फिल्म भोला का भी फैंस के बीच खूब क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से भोला का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से फैंस इसके दीवाने हो रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, जहां फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और भोला में अजय देवगन के अलावा तब्बू भी मुख्य किरदार में नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में चलिए हम आपको इस फिल्म की स्टारकास्ट की फीस के बारे में बताते हैं, जहां इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अजय देवगन का आता है। वहीं अजय इस फिल्म में भोला के मुख्य किरदार में नजर आए हैं। सामने आए फिल्म के ट्रेलर में वह शानदार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस अजय देवगन ने ली है, क्योंकि इसके लिए अजय देवगन ने 30 करोड़ रुपए फीस ली है। वहीं इसके अलावा हम आपको बताते चले कि इस फिल्म में तब्बू भी अजय देवगन के साथ नजर आने वाली है। वहीं हम आपको बताते चले कि तब्बू इस फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगी, जहां इससे पहले भी अजय और तब्बू दृश्यम में साथ नजर आए थे। वहीं भोला में तब्बू की फीस की बात करें तो इस फिल्म के लिए तब्बू ने करीब 4 करोड़ रुपए फीस ली है। वहीं इन सब के अलावा अपनी बेहतरीन कॉमेडी और अभिनय के लिए मशहूर संजय मिश्रा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां वह एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे, जिसको ट्रेलर में देखकर पता चलता है कि इस फिल्म में उनका किरदार मजेदार होने वाला है। वहीं इस फिल्म के लिए उन्होंने 85 लाख रुपए लिए हैं। वहीं कॉमेडी किरदार निभाने वाले दीपक डोबरियाल भोला में एकदम अलग अवतार में नजर आएंगे, जहां फिल्म में दीपक एक खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले हैं और उनका लुक भी काफी खास है, जो दर्शकों को पसंद आ रहा है। वहीं इस फिल्म में उनकी फीस की बात करें तो दीपक ने इस किरदार को निभाने के लिए 65 लाख रुपए लिए हैं। इसके अलावा भी हम आपको बताते चले कि अभिनेत्री अमाला पॉल इस फिल्म में नजर आने वाली है, जहां अमाला पॉल फिल्म में अजय देवगन संग रोमांस करती नजर आने वाली है। वहीं फिल्म में उनकी फीस की बात करें तो इस फिल्म के लिए उन्होंने करीब 25 लाख रुपए लिए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि यह 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।